पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों पर गरीबों के लिए अलाव की व्यवस्था करने को लेकर अनुमंडल प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। जी हां, डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी योगेश के द्वारा अनुमंडल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। शीतलहरी और भीषण ठंड को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन से अलाव की मांग की गई। उन तमाम चौक चौराहों पर अलाव जलाने के साथ साथ गरीबों और असहायों की व्यवस्था करने की मांग की गई। आइए सुनते हैं इस मौके पर डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी योगेश ने क्या कुछ कहा। पूरे बिहार में अभी भीषण जो है ठंड पड़ रही है और शीतलहरी पड़ रहा है, और अगर मौसम विभाग की बात आप देखें, उसने अनुमान लगाया है कि अभी 8-10 दिन और भी ठंड जो है भीषण रूप से पड़ेगा। वो पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत जितना चौक चौराहा है जहाँ गरीब तबके लोग रहते हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब लोगों के लिए सरकारी स्तर पर अलाव की व्यवस्था हो और वो लोग जो है भीषण जो अभी चल रहा है जो मौसम, उससे बचें, इसके लिए हम लोग ने अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के समक्ष एक ज्ञापन दिया है कि सरकारी स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जो है विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना से।